जो बात गलत कही जा रही है या जो हानिकारक है वो मेरा मन नहीं मानता करने को। जैसे मुझे अभी एक एडवर्टीजमेंट आया, एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा आता है, जो एक्टिंग में नहीं आता वो एडवर्टीजमेंट में आता है पैसा, जो कि एक ऐसे ब्रांड का था जो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए, पूरी जनता की सेहत के लिए। मैंने मना कर दिया। अगर पंचायत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की होती तो आपके हिसाब से, और आपको अलग अलग जवाब देने, प्रधान कौन होता? मुझे तो एकदम से मिस्टर बच्चन का ही याद आता है जी। कतका ठीक है, साफ साफ लग रहे हैं प्रधान, फिर आवाज और बुलंद जो है उनकी पर्सनालिटी। मैंने काम भी किया है ना, कमिटेड, डिसिप्लिन्ड जी, तो वही ध्यान आता है एकदम से। ठीक है, प्रधान का जो ये है वो अमिताभ जी के पास जा चुका है। सचिव किसे बनाते हैं हम? दीपक मिश्रा। मैं बस बोलने ही वाला था कि मैं तो प्रधान फिल्म में भी रघु सर को ही लूंगा जी। और अच्छा बोला। और सचिव जीतू ही रहेगा जी। आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है कि दीज पीपल कम्प्लीटली फिट टू द कैरेक्टर्स दैट हैव बीन। एब्सोल्युटली, बट हाइपोथेटिकली इफ यू हैड टू चूज। हां, अभी देखो ये तो निकल गए। मैंने कहा मैंने तो गलत आंसर दे दिया। करेक्ट, मैंने कहा मैं नीना जी की टीम में चली जाती हूं, जरा बता देती हूं। हमको पता, मेरे को समझ में, हमारे अलावा, दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट। मैंने कहा ये तो सारी बाजी मार मिस यूनिवर्स वाला आंसर दे दिया। दीपक जी बताना पड़ेगा आपको, सचिव कौन हो सकते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? सचिव कौन हो सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसा लग रहा है कि मतलब सोच चल रहा है। बट थोड़ा सा अगर वैसा मान लीजिए कि बड़ा डे टू डे लड़का दिखना चाहिए सचिव जो है, तो विकी कौशल साहब बहुत अच्छा कर सकते हैं, राजकुमार राव बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, है ना? तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि बहुत ग्लैमर नहीं है इस कैरेक्टर में, बड़ा डे टू डे बॉय नेक्स्ट डोर टाइप लगता है, है ना? तो वो कैरेक्टर जो उसमें फिट हो जाता है वो कर सकता है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं। बढ़िया। बन राकस किसे बनाएंगे? बन राकस किसको बनाना चाहिए? मुझे लगता है धर्मेंद्र पाजी को बनना चाहिए। और बन राकसी कौन बन रही है? बन राकसी सुनीता। क्या हम वही रखेंगे या फिर हम चेंज कर रहे हैं? कुछ ऐसा किस्सा नीना जी जो आप बताना चाहेंगे, जहाँ पे गर्मी धूप काम बहुत अच्छा सीन, लेकिन वो मजेदार दिन या वो मजेदार पल? ये जो हमारा जो ऑपोजिट टीम है ना, मतलब ये तो मेरी टीम है जी, जो ऑपोजिट टीम है विनोद और ये सब लोग, इनको देख के ही मुझे हंसी छूट जाती है। और वो बोलते भी ऐसे हैं, वो तो लगता है कि सारे कैरेक्टर रियल लगते हैं, पर वो तो मतलब कुछ ज्यादा ही रियल लगते हैं उनको देख के, मतलब मुझे। और फिर वो बीच में जब इम्प्रोवाइज भी करते हैं ना, वो इतनी हंसी आती है। उसने कहा था ना, एक डायलॉग बोलने के बाद बोला था ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके जा रहा था, जब भी वो बोलता मेरे को हंसी छूट जाए। तो जो हमारे दुश्मन है इसमें वो बहुत फनी है। वो कैरेक्टर्स बनाए हुए ऐसे, आई थिंक दैट देयर एक्टिंग आल्सो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। देख रहे हो विनोद, ये वही बोल सकता है। देख रहे हो विनोद।